मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुशील दुबे है और आज की क्लास में हम फॉर्मेटिंग देखेंगे। पीजीडीसी फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट वन का जो टॉपिक है एक्सेल में फॉर्मेटिंग ऑफ एक्सेल शीट। एक्सेल शीट में हम जो डेटा टाइप करते हैं उसमें फॉर्मेटिंग के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। जैसे आप होम टैब में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फॉर्मेटिंग के लिए फॉन्ट की फॉर्मेटिंग से संबंधित कुछ ऑप्शंस उपलब्ध हैं। अलाइनमेंट के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अलाइनमेंट के लिए कुछ डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं आपके पास, और अलाइनमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। नंबर की फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हम कुछ ऑप्शंस देख सकते हैं फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ डेटा टाइप करता हूँ, जैसे रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, और ये तीन डेटा हम ले लेते हैं, क्लियर है। और यहाँ पर हम मोबाइल नंबर ले लेते हैं। तो कुछ डेटा टाइप करना है हमें, 101, 102, 103, इस टाइप से हम डेटा टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पर रोल नंबर की सीरीज जनरेट कर सकते हैं, हमने यहाँ पे सीरीज जनरेट की है। स्टूडेंट का नाम हम लिखते हैं सुमित कुमार, मोहन कुमार, सोहन कुमार, रवीश, मनोज, मोनिका, राजेश, महेश एंड मीना, रश्मि। ओके, क्लासेस हम इनकी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इनको लेता हूँ BCA 1, दूसरे वाले को लेता हूँ मैं PGDCA 1, इस तरीके से BCA 2, और इस तरीके से हम कुछ चीज़ों को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। देखेंगे ये ऑटो करेक्शन का भी ऑप्शन है, यहाँ पर मैं BCA 1 या BCA 2 लिखूँगा तो यहाँ पर ऑप्शंस डिस्प्ले करेंगे। BCA 2 लिखा मैंने, P लिखते ही ऊपर से सजेशन लेकर के, और मैं फिल का ऑप्शन का यूज़ करके इनको फिल कर सकता हूँ। मोबाइल नंबर फ़िलहाल हम अभी डमी देते हैं, 982 7 1 9 8 2 7 1, इस तरीके से हम कुछ मोबाइल नंबर दे देते हैं 98271। इस तरीके से हम मोबाइल की भी कॉपी यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा सिंपल डेटा है। अब हमें इसे फॉर्मेट करना है, तो फॉर्मेट करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शन है। सबसे पहले हम अलाइनमेंट ऑप्शन में जाते हैं। देखिए, आपके पास 9 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। 9 प्रकार का अलाइनमेंट अगर आपको समझना है तो यहाँ पर मैं आपको अलाइनमेंट को कुछ इस प्रकार से समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस सेल को चौड़ा कर देता हूँ और इस तरीके से स्पेस क्रिएट कर देता हूँ, तो आप इस सेल को देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम 9 प्रकार के अलाइनमेंट्स को हम देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो अलाइनमेंट है वो इस कॉर्नर पे होता है, इसको बोलते हैं टॉप लेफ्ट, टॉप मिडिल, टॉप राइट। यहाँ पर मिडिल सेंटर या सेंटर मिडिल, इस तरीके से 9 आपके अलाइनमेंट्स यहाँ पर दिखाई देंगे। तो देखिए, हम 9 अलाइनमेंट को सेट करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हमने अलाइनमेंट सेट किया है, ये पहला अलाइनमेंट है टॉप लेफ्ट। दूसरा है, अब इसको इस सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट। उसके बाद हम अगला अलाइनमेंट देखेंगे, मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर, मिडिल राइट। और उसी प्रकार से 3 और अलाइनमेंट है, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, सॉरी बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। इस प्रकार से 9 अलाइनमेंट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके अलावा अलाइनमेंट्स के साथ साथ आप इनकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट में ओरिएंटेशन में आप देख पा रहे हैं कि डायरेक्शन भी मैं चेंज कर सकता हूँ, और अपने हिसाब से कुछ इस टाइप से भी डायरेक्शन चेंज की जा सकती है, यूज़र डिफाइंड डायरेक्शन भी चेंज की जा सकती है। तो डायरेक्शन को भी हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अलाइनमेंट के लिए सबसे पहले देखिए, ये रोल नंबर को हमको सेंटर करना है, तो यहाँ पर हम सेंटर कर लिए। इस प्रकार से हम इनके अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं। तो जो जनरली टेक्स्ट रहते हैं वो लेफ्ट अलाइन रहते हैं, और जो नंबर्स रहते हैं वो राइट अलाइन होते हैं। तो हम यहाँ पर अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, साथ ही साथ हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर
आपको बॉर्डर्स के ऑप्शन है, ऑल बॉर्डर्स करने पर चारों साइड बॉर्डर आते हैं और ये प्रिंट भी होते हैं। फिलहाल हम इसको क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग्स को, अगर हमें हेडिंग्स को हाईलाइट करना है तो हमारे पास बोल्ड ऑप्शन है, और फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं हम। तो हम यहाँ पर फॉन्ट सेट करने के लिए फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और इस तरीके से हम अलाइनमेंट वगैरह सेट कर सकते हैं। ये हमारी फॉर्मेटिंग हो गई। कुछ ऑटो फॉर्मेटेड टेबल्स भी आते हैं, जैसे मैं इनको सेंटर कर दिया, और फॉन्ट स्टाइल भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एरियल फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है, तो देखिए फॉन्ट स्टाइल भी मैंने चेंज कर दिया, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऑटो फॉर्मेटेड टेबल भी आते हैं, फॉर्मेट एज टेबल। तो यहाँ पर कुछ पहले से बने बनाए सैंपल दिए हुए हैं, आपको अगर इनमें से कोई सैंपल पसंद आता है तो अपने टेबल की फॉर्मेटिंग आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए ये टेबल के जो रोज हैं उनकी फॉर्मेटिंग हो गई। तो आप देख पा रहे हैं कि होम के अंदर फॉन्ट में यहाँ पर फॉन्ट को फॉर्मेट करने से रिलेटेड कई सारे ऑप्शंस दिए हैं, जैसे फॉन्ट फेस आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट की अंडरलाइन आप चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का स्टाइल जैसे रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक आदि को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर आदि को यहाँ से चेंज किया जा सकता है। दूसरा, हमने अलाइनमेंट की चेंजेस देखे, यहाँ पर हम अलाइनमेंट कैसे चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर नंबर्स की फॉर्मेटिंग भी हम देख लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास नंबर्स की संख्या कुछ इस तरीके से है तो हम अपने नंबर्स को इस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा नंबर है इसमें सबसे पहला जो फॉर्मेट दिख रहा है आपको, आप इसमें कोई करेंसी सिंबल ऐड कर सकते हैं। दूसरा, आप इसमें परसेंट का सिंबल ऐड कर सकते हैं। अगर आपने परसेंट कैलकुलेट किया तो परसेंट का सिंबल ऑटोमेटिक वो कैप्चर करेगा। तीसरा जो है, अगर आप यहाँ पर कोई अमाउंट लिख रहे हैं, जैसे थोड़ा बड़ा अमाउंट हम लिखते हैं, और इस प्रकार से अगर हम कोई अमाउंट यहाँ पर लिखें, और ये वाला ऑप्शन अगर हम यूज़ करते हैं, इस ऑप्शन का नाम है कॉमा स्टाइल, तो ये आपको करेंसी के हिसाब से थाउजेंड्स और हंड्रेड्स में कॉमा लगाकर डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट्स हैं उनको इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए पॉइंट वन डेसिमल पॉइंट आ गए, दो डेसिमल पॉइंट आ गए, और यहाँ से हम डेसिमल पॉइंट्स को डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम डेसिमल पॉइंट्स को डिक्रीज कर सकते हैं और डेसिमल पॉइंट्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग देखी, जैसे नंबर की फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे डेट के भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, जैसे डेट की फॉर्मेटिंग करनी है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है इत्यादि। तो इस तरीके से आप ऑटो फॉर्मेटेड टेबल या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है एग्जाम्पल है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, तो आप यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन होता है जिसमें हाईलाइट रूल्स हमें ऐड करना होता है। तो मैं यहाँ पर मोर रूल्स में जाऊँगा और सेल की वैल्यू इक्वल टू बी सी ए वन, मैंने क्या लिया बी सी ए वन, तो बी सी ए वन सेल की वैल्यू लेने पर मैं एक फॉर्मेट दे रहा हूँ कि ये जो इसका बैकग्राउंड है वो रेड हो जाना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि बी सी ए वन डेटा जहाँ पर भी दिखेगा वो ऑटोमेटिक आपको रेड बैकग्राउंड से फॉर्मेट कर देगा। तो मैं डेटा रन टाइम पर चेंज करूँ तो उस समय भी ये फॉर्मेटिंग हमको दिखाई देगी। तो इस तरीके से आप अपनी एक्सेल शीट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए या उसके लुक को अच्छा बनाने के लिए आप फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।